ओ शिट। सो गाइस यार बाइक धुआं मार रही है, ये चेक करो भाई कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है यहाँ से। सो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ध्यान से ये चेक करो, ये क्या सीन हो गया इसको। ड्रेन नेट के साइड में ऑयल लगा हुआ है, ये चेक करो। तो अब ये ऑयल यहाँ से लीक हुआ है। सो घर जाके मेरे को ये नेट वगैरह चेक करने पड़ेंगे एक बार। कपड़ा भी नहीं है यार मेरे पास, सीट साफ करना पड़ेगा। काफी हवा चली हुई है खतरनाक वाली। सो यहाँ पे मैं रील बन जानी। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी मैं जा रहा हूँ एक न्यू वीडियो शूट करने, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं एक गुड न्यूज देने वाला हूँ। तो अभी बाइक को साइड में लगाता हूँ वहीं पे। आज मैंने वीडियो ऐसे स्टार्ट कर दी है बाइक पे। तो गाइस अपनी जो न्यू बाइक है वो जल्दी आ रही है। अभी फोन किया हुआ था एजेंसी वालों को, तो वो बोलते हैं कि ट्रक में लोड होगी बाइक, 1 वीक समथिंग इतना टाइम लग जाएगा आने में। तो चलो कोई बात नहीं, जब भी आएगी आप लोगों को डिलीवरी का ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। बाइक की हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है, सारी मिट्टी मिट्टी हो रखी है बाइक में। न्यू बाइक भी आ जाएगी, थोड़ा सा वेट तो अभी करना पड़ेगा। अभी निकलते हैं यहाँ से एंड आपको सीधा सेटअप पे मिलता हूँ। ये लगी हुई है अपनी 390 एंड हालत देख ही सकते हो इसकी। सो थोड़ी मिट्टी वगैरह हो रखी है बाइक में, बट चलो कोई बात नहीं, इसको वॉश करवा लेंगे। आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि अपनी बाइक न्यू जल्दी आ रही है। अभी यहाँ से वीडियो स्टार्ट की है, सो निकलते हैं नीचे की साइड। आज का मौसम काफ़ी साफ हो रहा है, काफ़ी प्यारी धूप लगी हुई है आज। बाइक में पेट्रोल देख ही सकते हो, 2 सेल्स का मैं, बाकी टैंक फुल ही है इसका। सो अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट। जिस दिन से मैंने बाइक का टैंक फुल करवाया है उस दिन से लेके अभी तक मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया बाइक में, और अभी भी 2 सेल कम हुए इसमें। बाइक का टैंक फुल रखने का फ़ायदा ही हो रहा है मेरे को, तेल ही नहीं खा रही बाइक, ऐसा लग रहा है। आ चुका हूँ नीचे एंड चलते हैं भाई, प्यारा सा व्लॉग बनाते हैं आप लोग के लिए। ये मेन रोड ओपन हो चुका है, बट ये वाला रोड खाली होता है, तो मैं इस साइड से आ गया। तो वो वाला रोड ठीक लग रहा है आजकल, बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह नहीं लग रहा है, सारी जो गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं। सो अभी चलते हैं इस वाले रोड से। थोड़ा सा ऑफ रोड आ चुका है यहाँ, इस वाले रोड से भी अब थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आने लग पड़ी हैं, पहले यहाँ से एक भी गाड़ी वगैरह नहीं आती थी। आज थोड़ा ऑफ रोड मिलेगा तो चढ़ा देंगे बाइक वगैरह कहीं पे। पैदल चलने के लिए काफ़ी अच्छा रोड है, बस ये कि थोड़ा जंगली जानवरों का रिस्क होता है इस वाली साइड, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस वाले रोड में। ओ शिट। सो गाइस यार बाइक धुआं मार रही है, सो गाइस बाइक से धुआं निकल रहा है, पता नहीं कैसी है। यहाँ पे रुक के देखते हैं, बाइक साइड से धुआं मार रही है जिसका, यार ऑयल लीक हो रहा है यहाँ से। सो आप लोगों को दिख रहा होगा धुआं कैसे निकल रहा है, यार चेक करो, ये चेक करो भाई कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है यहाँ से। सो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ध्यान से ये चेक करो, ये क्या सीन हो गया इसको। इसके ड्रेन नेट के साइड में भी ऑयल लगा हुआ है, सो ये पता नहीं क्या सीन है यार। एंड यहाँ पे भी ये चेक करो, सो गाइस ये चेक करो, ऑयल पता नहीं कहाँ से निकला इसका। आधे रास्ते तक तो बाइक में धुआं वगैरह नहीं मारा, बट बाइक गर्म हो गई थी, फिर इसके पाइप पर ऑयल गिरा है, ये तो मार रहा है धुआँ। यार बाइक में अभी पता नहीं क्या सीन हो गया था, पहले भी अपनी बाइक में ऑयल लीक होता था स्टार्टिंग के टाइम पे, जब मैंने बाइक न्यू ली थी। उसके बाद मैं एजेंसी लेके गया हुआ था इसको, तो उन्होंने यहाँ से कोई अंदर से नेट टाइट कर दिया हुआ था। उस दिन के बाद भाई आ जाइए इसमें दिक्कत। ड्रेन नेट के साइड में ऑयल लगा हुआ है, ये चेक करो। तो अब ये ऑयल यहाँ से लीक हुआ है, सो घर जाके मेरे को ये नेट वगैरह चेक करने पड़ेंगे एक बार। मैंने सोचा यार बाइक में आग लगी है,
इस साइड तो ओके है, इसकी यार ये जो एग्जॉस्ट की पाइप है इस पे ऑयल गिरा है तो ये धुआं मारे थे आई थिंक, जहाँ तक मेरा आइडिया गाइस यही हुआ होगा, बिकॉज यहाँ पे भी देखो पाइप पे ऑयल गिरा हुआ है। अभी देखते हैं यार ऑयल वगैरह तो अभी लीक हो रहा नहीं इसमें से, पता नहीं क्या सीन हो गया है। अभी थोड़ी सी ऊपर चल कर देखते हैं कि इसमें फिर प्रॉब्लम आती है कि नहीं, ऐसे तो बाइक में आग लगने का भी खतरा है। बाइक को लगा दे रहा हूँ तो मतलब धुआं निकलना कम हो जा रहा है। सुबह से हल्का हल्का धुआं फिर से आ रहा है साइड से, तो मैं रुक के देख लेता हूँ एक बार। ये चेक करो अभी कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, सो पता नहीं यार इसका कौन सा नट लूज़ हो गया है। फिर से यहाँ वैसे लग रहा है इंजन ऑयल गिरा हुआ है, सो ये चेक करो धुआं कितना ज़्यादा निकल रहा है यहाँ से। सो ये पता नहीं क्या सीन हो गया यार, पता नहीं कैमरे में धुआं दिख रहा है कि नहीं, ऐसे तो अपनी बाइक में आग भी लग सकती है यार। सो ये चेक करो भाई इसके यहाँ पे ऑयल ही ऑयल है, पता नहीं यार क्या इसमें दिक्कत आ गई है। जितना बाइक को मैं चला रहा हूँ उतना फिर ये धुआं ज़्यादा दे रही है बाइक। जैसे करता हूँ सीधा निकलता हूँ वर्कशॉप एंड इसका जो ड्रेन नेट है उसको चेक कर लेता हूँ एक बार कि वो तो लूज़ नहीं है, तो मेरे को रिस्क ही लग रहा है इसका, बिकॉज यार इतना इतना इंजन ऑयल भी लीक होता रहा तो फिर इंजन तो यार इसका डैमेज हो जाएगा जल्दी। तो अभी भी देखो यार धुआं निकल रहा है इसका, जब भी निकलता हूँ यार यहाँ से तो इसको वर्कशॉप जाके देखता हूँ इसके नट वगैरह कोई लूज़ तो नहीं है। ऐसे तो कोई मतलब नहीं बनता यार इसका ऑयल लीक होने का, बट अब देखना पड़ेगा। हाथ से ट्राई कर रहा हूँ तो पूरा मतलब टाइट ही है। ये चेक करो भाई कपड़ा भी नहीं है यार मेरे पास, सीट से साफ करना पड़ेगा। अभी हुए यार इसके 3 cells कम, सो इतने दिन बाद यार 3 cell कम देखने को मिले मेरे को। तो फाइनली गाइस अभी आ चुका हूँ मेन रोड पे, तो अभी निकलते हैं फटाफट यहाँ से। ट्रैफिक लग चुका है यहाँ पे, भाई ये चेक करो ये कौन मिल गया हमें, क्या हो गया भाई? जहाँ पे अजय मिल चुका है हमें। हाँ जी भाई जी, मैं ना रसूस हूँ, ये है वो। एक क्या चक्कर मतलब यार, मेरी मैंने ली थी ना, मेरे में स्पोर्ट नहीं करती, तेरे लग गई थी और मेरे में। ठीक है मिलते हैं। बाइक को बंद ही कर देते हैं अभी। यहाँ पे अगर बारिश ना हो ना तो डेली यहाँ पे इतने रश होता है। इसके नेट वगैरह चेक करने पड़ेंगे एंड जब मैं इसकी सर्विस करवाऊंगा तो उनको एक बार मतलब ये वाली दिक्कत का बता दूंगा कि ऐसे ऐसे ऑयल लीक हुआ था। सो अगर सर्विस होगी एक बार तो फिर तो इस पर प्रॉपर इंजन ऑयल डल जाएगा। कहाँ चला हुआ यार ये, आज काफ़ी हवा चली हुई है खतरनाक वाली। सो यहाँ पे मैं रील बन जानी थी यार, ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ से टर्न कर लेते हैं बाइक को। सो इसको हल्की भी टाइट करने पड़ेगी मुझे,
एक बार फिर से देख लेता हूँ, ये चेक करो भाई अभी हो रहा है हल्का हल्का। यही था गाइज आज की वीडियो में। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड बस इतना ही था। एंड अभी निकलते हैं घर को, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब आप लोग को एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, फुल सपोर्ट।